बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। अब्बा जान कहने वाले आसन हजम कर जाते थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में बस अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से विवादित बयानबाजी शुरू हो गई है। अभी तक तो उत्तर प्रदेश में अब्बा जान को लेकर बयानबाजी की जंग चल रही थी, लेकिन अब चाचा जान की भी एंट्री हो गई। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इसी कड़ी में AIMI सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना, ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। यूपी में चुनाव नजदीक है और राजनीतिक पार्टियां विकास को भूलकर अब्बा जान और चाचा जान की राजनीति में व्यस्त हो गई हैं। लेकिन चाचा जान शब्द की टिप्पणी किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से आई है। एक सभा को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के चाचा जान हैं। आगे टिकैत ने कहा, बीजेपी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी में आ चुके हैं, सभाएं भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी को गाली देते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करती। वो सभी एक टीम का हिस्सा है। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए बहुत मन्नत के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको, और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर महापंचायत के बाद राकेश टिकैत राज्य के अलग अलग इलाकों में जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और किसानों को संबोधित कर रहे हैं। टिकैत ने फिर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सड़कें, बंदरगाह, फैक्ट्रियां बेचने में लगी हुई है। टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 1 जनवरी 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर 1 जनवरी 2022 तक किसानों को अपनी फसल के दाम दोगुने नहीं मिले तो हम लोगों के बीच जाकर कहेंगे कि सरकार ने कुछ नहीं किया, इसीलिए हमें भी उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाने साधते हुए कहा कि अब्बा जान कहने वाले गरीबों का सारा राशन हड़प जाते थे। योगी आदित्यनाथ पहले भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर इसके जरिए वार कर चुके हैं। भाइयों बहनों, सबका साथ, हर गरीब को शौचालय। क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को राशन मिलना होगा ना। आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।